आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। विधानसभा चुनाव के लिए अलग अलग विधानसभा से कुल 7 प्रत्याशियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर लिया नाम वापस। अब जनपद में कुल 109 प्रत्याशी लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। विधानसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी विजय किरण आनंद तथा एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने प्रेक्षकों के साथ कैन क्षेत्र में किया फ्लैग मार्च। एसएसपी ने कहा, 3 मार्च को निर्भीक होकर करें मतदान, किसी तरह की समस्या होने पर पुलिस को दे सूचना, समस्या का होगा समाधान। दूर रहकर भी भरपूर नजर रख रहे हैं सीएम योगी। गोरखपुर शहर विधानसभा क्षेत्र में हर गतिविधि की खबर ले रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जनपद में विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों को निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव चिन्ह का किया गया आवंटन। जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा, प्रेक्षक की निगरानी में सम्पन्न हुआ चुनाव चिन्ह आवंटन का कार्य। विधानसभा चुनाव में सभी प्रत्याशी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 1 मार्च की शाम 6 बजे तक ही चुनाव प्रचार कर सकेंगे। एडीएम फाइनेंस जिला उप निर्वाचन अधिकारी ने दी जानकारी। चुनाव चिन्ह आवंटन के बाद सामान्य प्रेक्षक नवनीत कोठारी ने सदर विधानसभा के प्रत्याशियों के साथ तहसील सदर के सभागार में की बैठक। आदर्श आचार संहिता का पालन करने सहित कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए चुनाव प्रचार करने के दिए निर्देश। दो मार्च को डीडीयू प्रांगण से रवाना होने वाले पोलिंग पार्टी स्थल का एडीएम फाइनेंस उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने किया निरीक्षण। कहा, पोलिंग पार्टी 3 मार्च को मतदान करने के बाद वापस डीडीयू में ही जमा करेगी ईवीएम मशीन सहित सभी सामग्री। गोरखपुर में बुधवार को पाए गए 15 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में अब एक्टिव केस की संख्या हुई 369। सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने की पुष्टि। भाजपा महानगर के कार्यकर्ताओं ने मनाई महान समाज सुधारक संत शिरोमणि रविदास की जयंती। भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष ने किया संत रविदास के विचारों को अपने अपने जीवन में उतारने का आह्वान। बुधवार को जिला अस्पताल सहित जनपद में कुल 363 केंद्रों पर 32,418 लोगों को किया गया कोविड का टीकाकरण। फर्स्ट डोज लेने वालों में 18,069 लोग तथा सेकंड डोज लेने वालों में 12,595 लोग रहे शामिल। सीएमओ ने कहा, चुनावी माहौल में चुनाव की भीड़ भाड़ से अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए करें कोविड प्रोटोकॉल का पालन, लगाएं मास्क, करें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। कलेक्ट्रेट परिसर में विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों के नाम वापसी के दिन सुरक्षा व्यवस्था का किया गया पुख्ता इंतजाम। एसपी सिटी ने कहा, जनपद पुलिस के साथ एक कंपनी पीएसी की भी लगाई गई है ड्यूटी।